बॉडी बनाने से लेकर वेट लॉस की जर्नी तक में फलों को डाइट के रूप में शामिल किया जाता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो फलों को डाइट में ज़रूर शामिल करते हैं। साथ ही साथ फल हमारे बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसमें कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, कई विटामिन्स और प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पुरानी बीमारियों में भी फ़ायदा पहुँचाता है, हमारे पेट को भरा भरा भी करता है और हमारी बॉडी को भी बनाता है। पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फल को किस मात्रा में खाएं ताकि वो हमें फ़ायदा दें और साथ ही साथ इसके क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाएं, और इसकी क्या एक निश्चित मात्रा है जो हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी है। हाय, दिस इज नितिन एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलों से जुड़े फ़ायदे एंड नुकसान के बारे में। पर पहले यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये बिल्कुल एक रिसर्च पर आधारित है, यानी कि नॉर्मल रिसर्च पर आधारित है आज के ज़माने की, ना कि ये आयुर्वेदिक है। पर अगर बात की जाए फलों के बारे में तो रिसर्च के हिसाब से अगर फल दिन में दो बार खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि दो बार से ज़्यादा खाना हमें नुकसान कर सकता है या करता है। पर अगर दिन में दो बार इसे खाया जाए तो ये हमें फ़ायदा देता है। पर यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि फलों को खाने में भी डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सा फल खाते हैं और किस तरीके के फल खाते हैं, क्योंकि फलों के खाने के भी बहुत सारे नियम हैं जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। पर पहले अगर बात करते हैं, अगर आप अपनी डाइट में फलों का सेवन करते हैं और इन्हें दिन में दो बार खाते हैं यानी कि दो टाइम, तो यह हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ कुछ फल कुछ प्रकार के कैंसर में भी मददगार करते हैं। ये हमारे वेट लॉस को तो फ़ायदा देता ही है, यानी कि हमारे वेट लॉस को कम करने में मदद तो करता ही है, पर अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तब भी इसमें फ़ायदा देता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस मात्रा में कब और किस तरीके के फल खाते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है, हमें कब्ज जैसी बीमारी से भी राहत दिलाता है, शुगर में भी फ़ायदा देता है, और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। पर इसके कुछ नुकसान भी है, और क्या नुकसान है इस बारे में हम अब बात करने वाले हैं। डायरिया का हो सकता है खतरा। जी हाँ, रिसर्च के अनुसार अगर दो बार से ज़्यादा फल हम का सेवन करते हैं तो इससे डायरिया भी हो सकती है। फलों में नेचुरल मीठा होता है यानी कि फ्रक्टोज होती है, साथ ही साथ इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो हमें डाइजेशन में फ़ायदा देती है, काफ़ी में फ़ायदा देती है। पर वही अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फलों का सेवन करते हैं तो फाइबर की उच्च मात्रा होने के कारण ये कभी कभी दस्त भी कर देती है या डायरिया भी बना सकती है। पर कहीं इसमें मिठाई भी अच्छे खासे मात्रा में होती है तो ये हमारे शुगर लेवल को बढ़ाने का भी काम करती है, यानी कि अगर आप शुगर से पीड़ित हैं तो ज़रूरी है ये कि आप निश्चित मात्रा में फलों का सेवन करें। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप फल खाते हो मीठे फल तो उसमें गोलकी पाउडर या फिर काला नमक यूज़ करें। इससे होता ये है कि जो फलों की मिठास होती है उससे आपको नुकसान नहीं होता है या फिर कम होता है, और ये आपको पूरा भरपूर फ़ायदा देती है। वजन, जी हाँ, जहाँ वेट लॉस में फलों का डाइट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है, वहीं ज़रूरत से ज़्यादा फलों का सेवन करने से, चूँकि फलों में चीनी की मात्रा यानी कि फ्रक्टोज लेवल बहुत ही हाई होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फलों का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में चीनी का मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण कभी कभी वेट भी बढ़ जाता है। वैसे मैं यहाँ बता दूँ कि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या रियली में फल खाना मोटापे को बढ़ा सकता है या फिर नहीं। पर जितना भी रिसर्च हुआ है उसमें ये बात साबित हुई है कि फलों का अधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और मीठा होने के कारण ये आपके वेट को बढ़ा रहता है बजाय कम करने के। तो ये हमेशा तय कर रहे हैं कि एक निश्चित मात्रा में ही फलों का सेवन करना चाहिए। दूसरा, दो टाइम से ज़्यादा फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि दिन भर में अगर आप तीन या चार टाइम भी खाना खाते हैं तो उसमें कम से कम दो टाइम आप फलों का सेवन डाइट ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं, हमेशा इस बात को याद रखें। हो सकती है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। जी हाँ, जहाँ फलों में फाइबर उच्च मात्रा में होती है तो हमें डाइजेशन में फ़ायदा देती है, कब्ज से राहत देती है, वहीं अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हम फलों का यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं तो फलों में मिठास होने की वजह से भी कभी कभी इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है, यानी कि पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त लग सकती है, यहाँ तक कि हमारा ब्लड शुगर बढ़ सकता है, यानी कि डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है। खास करके टाइप 2 डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि फलों का निश्चित मात्रा में सेवन करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर डायबिटीज से पीड़ित हो तो फलों में गोलकी या फिर काला नमक डाल के यूज़ करें, इससे फलों के नुकसान नहीं होते हैं और फ़ायदा ही देता है। और अंत में, फलों का सेवन करने से पहले हमें इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए कि हम कौन से फल का सेवन कब करते हैं, ये भी मायने रखता है, यानी सुबह खाली पेट हमें कभी भी साइट्रस फ्रूट का यूज़ नहीं करना चाहिए,
ना ही केला का यूज़ करना चाहिए, जो कि व्रत में या व्रत में अथवा फास्टिंग में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। खाली पेट हम सबसे पहले सेब या अमरूद से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाता है। साथ ही साथ दो बार से ज़्यादा दिन में फल कभी ना खाएं। तीसरी बात वो ये कि आयुर्वेद के अनुसार दो या तीन प्रकार के फल एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हमें आम पार्टी या शादी में खाते हैं, फ्रूट्स अलग अलग फ्रूट्स मिले हुए होते हैं, तो उस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी का पचने का टाइम अलग अलग होता है, यानी कि ये विरुद्ध आहार है। तो सभी अलग अलग तरीके से पचते हैं, जो कि हमें नुकसान करता है। इसलिए कभी भी फल खाते हैं तो एक टाइप के फल एक बार में खाएं या फिर एक घंटे के अंतराल में खाएं, यानी कि मिक्स फ्रूट ना खाएं, वरना ये नुकसान करता है। और तीसरा और अंत बात कि डायबिटीज से पीड़ित लोग मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं बिल्कुल, पर गोलकी या फिर काला नमक मिला के यूज़ करें। इससे आपको फ़ायदा देता है और नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये थे कुछ उपयोग फलों के, जो करने से हमें फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी। साथ ही साथ इसमें ये भी मायने रखता है कि हम कौन सा फल का यूज़ कब कर रहे हैं और आपको किस चीज़ से एलर्जी है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी आप खाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए नुकसानदायक है या फिर फ़ायदा मंद।